दिल्ली भले ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल ना हो, लेकिन हालात इतने भी बेहतर नहीं है इस पर इतराया जा सके। मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जेनेवा में दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची तैयार की गई। इनमें भारत के 14 शहर शामिल हैं, जिनमें कानपुर पहले पायदान पर है। वहीं सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली छठे स्थान पर है। WHO की रिपोर्ट बताती है, वायु प्रदूषण के मामले में भारत के 14 शहरों की स्थिति बेहद खराब है। इस सूची में उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर कानपुर पहले स्थान पर है। कानपुर के बाद फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुड़गांव, जयपुर, पटियाला और जोधपुर शामिल हैं। 15वें स्थान पर कुवैत का अली सुबह अल सलेम शहर है। उल्लेखनीय है कि वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली 2015 की रिपोर्ट में चौथे स्थान पर थी, जो अब खिसक कर छठवें स्थान पर पहुंच गई है। WHO के आंकड़े बताते हैं, 2010-2014 के बीच दिल्ली में प्रदूषण स्तर में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन 2015 से स्थिति फिर बिगड़ने लगी। वायु प्रदूषण को लेकर WHO 100 देशों के 4000 शहरों का अध्ययन किया। यह अध्ययन बताता है, दिल्ली में 2010 और 2014 के बीच हवा की स्थिति में मामूली सुधार हुआ, लेकिन 2015 से हालात फिर बिगड़ने लगे। 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, जिसके बाद पेशावर और रावलपिंडी का नंबर था। उस समय दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के अन्य शहरों में सिर्फ आगरा शामिल था। 2011 की रिपोर्ट में दिल्ली और आगरा प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल थे और उल्लान बटार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। 2012 में स्थिति बदलनी शुरू हुई और दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में अकेले भारत के 14 शहर शामिल थे। 2013, 2014 और 2015 में भी दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 4 से 7 शहर शामिल थे। मगर मंगलवार को जारी 2016 के आंकड़ों में दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 भारत के हैं। अब प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। लेते हैं हम आपसे विदा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं तनिषा शर्मा, राष्ट्रीय खबर।